हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन और मेरा चैनल देखने के लिए थैंक्स। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे रेड बटन को क्लिक कीजिए और उसके बगल में बेल आइकन बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए। और मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक्स, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा साधारण ब्याज के बारे में। सिर्फ एक ही ट्रिक है, इससे आप सारे सवाल कर लोगे साधारण ब्याज की। सिंपल है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला सवाल दिया हुआ है, ₹2500 का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा। दोस्तों, सबसे पहले हमें याद रखना है कि दर और समय का हमेशा गुणा करना है। अगर हमें 1 साल में 5% ब्याज मिलेगा तो 4 साल में कितने प्रतिशत हो जाएगा, 5×4=20%। और दोस्तों, हमारे पास जो मूलधन होता है वो हमेशा 100% होता है। तो अब इसे हम सॉल्व ऐसे करेंगे कि अगर 100% मूलधन बराबर हमारे पास ₹2500 है तो 5×20% ब्याज क्या हो जाएगा। इसे हम काटेंगे, 20×5=100, 5×5=25, यानी हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, ₹500। इसके बाद अगला सवाल है, इसमें है कितने समय में ₹5000 का 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से ब्याज ₹1000 हो जाएगा। यहाँ पर भी हम वही करेंगे, हमें याद रखना है दर और समय का हमें गुणा करना है। यहाँ पर साधारण ब्याज में हमें निकालना है समय, समय दिया नहीं है तो समय हम मान लेंगे X वर्ष। अब जैसा कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही, हमारे पास 100% रकम बराबर कितनी है, 5000, और 10% हम दर और समय का क्या करेंगे, गुणा। तो 10 का गुणा जब X में करेंगे तो कितने हो जाएगा, 10X%, और 10X% बराबर ब्याज हमारे सामने कितना दिया है, 1000। बस इसे सॉल्व कर लेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कटे जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, और 5 से 10 कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो X% बराबर कितना आ जाएगा, 2%। सॉरी, यहाँ पर हमें समय निकालना था तो ये परसेंटेज में नहीं होगा, ये होगा 2 वर्ष। इसके बाद अगले सवाल में है, अजय ने ₹2000 का कर्ज दिया तथा 3 वर्ष बाद उसे ₹300 ब्याज मिला हो तो दर क्या है। ये भी सिंपल है, हमारे पास 100% धन बराबर कितना है, ₹2000, और 3 वर्ष बाद अब यहाँ हमें दर निकालनी है तो दर हम कितनी मान लेंगे, X%। और जैसा मैं बता चुका हूँ दर और समय का हमें गुणा करना है, तो 3 का गुणा X में करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3X% बराबर हमें ब्याज कितना मिला, ₹300। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 से 1 काटेंगे तो 100 बार, और 20×5=100, तो हमें दर X% बराबर कितनी मिल गई, 5%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धन पर 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज ₹600 हो जाएगा। यहाँ पर धन दिया नहीं है तो हम मान लें कि हमारा धन ₹100 है, और हमारा 100% धन बराबर हो गया ₹100, और यहाँ पर दिया है 15% दर और 2 वर्ष। तो 1 साल में अगर 15% धन मिलेगा तो 2 साल में 15×2=30%, तो हमारा 30% ब्याज हमारे सामने दिया है कितना, ₹600। तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 6 काटेंगे तो 3×2=6 ₹200, और ₹200 का 10 में गुणा करेंगे सो हो जाएगा 2000 रुपये। ये हमारा मूलधन निकल के आ जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइप है उसमें है कि ₹3000 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिए तो 5 साल के बाद वर्ष कितनी रकम वापस करेगा भाई। तो यहाँ पर हमें बताना है, जैसे कि श्याम ने 3000 रुपये
उधार लिए हैं तो हमारे पास 100% रकम बराबर कितनी है? 3000 रुपये। और हमें बताना है कि 4% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिए तो 5 साल बाद कितनी रकम? दोस्तों 4% 1 साल में ब्याज मिलेगा तो 5 साल में कितना हो जाएगा? 4×5=20%। अब यहाँ पर बात गौर करने की ये है कि जब हम किसी को अपनी 100% रकम देंगे तो वह साल के आखिर में हमें ब्याज भी साथ में ऐड करके देगा, तो जो हमने 100% उसे दिए थे उसमें वह 20% ऐड करके और देगा, यानी वो हमें कितना वापस करेगा? 120%। तो हमारा मिश्रण क्या होगा? एक्स मान लेंगे, इन्हें काटेंगे तो 2 0 2 0 और 120 का गुणा जब हम 30 में करेंगे तो आ जाएगा 3600, यानी हमारा मिश्रण कितना मिलेगा हमें? 3600। इसके बाद कौन सी धनराशि 6% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 6500 हो जाएगी? दोस्तों हमारी रकम तो यहाँ पर दी नहीं है लेकिन मिश्रधन दिया हुआ है, हम अपनी रकम 100% बराबर क्या मान लेंगे? एक्स। अब वो यहाँ पर कह रहे हैं कि 6% की दर पर 5 वर्ष में, 1 साल में अगर 6% धन मिलेगा तो 5 साल में कितना हो जाएगा? 6×5=30%। और हमने जिसे अपना धन दिया है हमने उसे 100% दिया था, वह हमें 30% ऐड करके देगा तो कितनी देगा? 130%। और 130% बराबर हमारे सामने कितना दिया है? 6500। इसे काटेंगे तो 10 से 10 13×5=65, ये 50 बार कटेगा और 50 का गुणा 100 में करेंगे तो 5000, यानी हमारा मूलधन कितना आया? 5000, हमने उसे 5000 रुपये दिए थे। अगला सवाल है, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 9/25 भाग है तथा वर्षों की संख्या वार्षिक दर के समान है, यानी अगर एक्स वर्ष हैं तो दर भी कितनी होगी? एक्स परसेंट। और मैंने पहले बता दिया है हमें वर्ष और दर का गुणा करना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो सवाल में हमें कंडीशन दी गई है इसमें हमें याद रखना है, जब भी ऐसा सवाल आए तो जो ऊपर दिया है वो हमारा साधारण ब्याज होगा और जो नीचे होगा वो हमारा ही मूलधन हो जाएगा। तो हमारे पास 100% मूलधन बराबर है 25 रुपये, और जब हम वर्ष और दर का गुणा करेंगे, एक्स और एक्स का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर कितना दिया है हमारे पास? 9। इसे सॉल्व करेंगे तो 25×100 और 9×36, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36। और जब हम स्क्वायर हटाते हैं किसी चीज़ का तो दोनों तरफ रूट कर देते हैं, तो यहाँ पर भी दोनों तरफ रूट करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, एक्स बचेगा और 36 किस संख्या का वर्ग होता है? 6। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 6, यानी या तो 6% दर होगी या 6 वर्ष समय होगा। अगला टाइप इसमें है, 20 वर्षों में कोई धनराशि 4 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है? दोस्तों मान लीजिए आपने 100 रुपये किसी को दिए और वो 400 हो गए तो हमें ब्याज कितने का मिला? 300 रुपये का। तो हमें याद रखना है जितने गुना दिया हो उससे एक कम लेना है हमें, यानी यहाँ 4 गुना दिया है तो हमारा ब्याज 3 गुना होगा, यानी हमारी जो रकम थी 100% बराबर वो 1 रुपये थी और 4 गुना हो गई, मतलब ब्याज कितना मिला हमें? 3 रुपये, क्योंकि जब 1 रुपये 4 रुपये हो जाएंगे तो हमें ब्याज मिलेगा 3 रुपये का। और मैं बता चुका हूँ हमें वर्षों दर का गुणा करना है, यहाँ दर नहीं दी है तो हम दर कितनी मानेंगे? एक्स परसेंट। 1 साल में एक्स परसेंट ब्याज मिलेगा तो 20 सालों में 20x, तो यहाँ पर 20x% का गुणा कर देंगे तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो 20×5=100 और 5×3=15, यानी दर कितनी निकलेगी? 15%। दोस्तों ट्रिक बहुत सिंपल है, इससे हम साधारण ब्याज के कोई भी सवाल कर सकते हैं, और इससे जो और टफ सवाल है मैं वो आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साइड में बेल आइकन बनाए उसे प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जो भी मैं वीडियो डालूँगा। और थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, प्लीज़ 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 इसे शेयर कीजिए।